हाय फ्रेंड्स, फिर आज रहे केडी शिवम संडे का इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर। आज के हमारे संडे का वीडियो का टाइटल है लंच विद एन आईएएस ऑफिसर, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। हाँ दोस्तों, आई होप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और खुद भी इंस्पायर होंगे और दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे इस वीडियो को शेयर करके। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रमेश एक छोटे से शहर में रहता था। उस शहर में एक बहुत बड़ा होटल था। रमेश एक दिन अपनी बेटी को लेकर उस होटल में जाता है। वहाँ अंदर जाकर एक टेबल पर बैठता है। एक सर्वर आ रहा है। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? रमेश मेनू कार्ड हाथ में लेता है और उसमें सबसे कॉस्टली जो मसाला डोसा है वो सिलेक्ट करता है और फिर कहा कि एक मसाला डोसा। सर्वर को ताजुब हुआ और उसने पूछा, सर एक ही मसाला डोसा? हाँ, मेरी बेटी के लिए। हाँ दोस्त, मेरी बेटी इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आई है और मैंने उसे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आने पर मैं इस बड़े होटल में आपको लंच दिलाऊंगा और मेरे पास सिर्फ एक मसाला डोसा का पैसा है, इसलिए वो मेरी बेटी के लिए, आप लेके आइए। अब सर्वर से रहा नहीं गया, सर्वर पहुँच जाता है ओनर के पास। उसने जाकर ओनर को ये स्टोरी बताई और उसने कहा, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दूसरा मसाला डोसा मेरे तरफ से दे दें। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे सैलरी में से काट लेना सर। मैं चाहता हूँ कि पिताजी और बेटी दोनों मसाला डोसा का आनंद उठाएं, क्योंकि बच्ची फर्स्ट आई है, पिताजी भी इतने ही खुश हैं। ओनर को बहुत ताज्जुब हुआ। ही वॉज सरप्राइज टू सी सर्वर्स हेल्पिंग नेचर। तो वो तुरंत उठे अपनी चेयर से और टेबल नंबर 3 पर पहुंच गए और वहाँ उन्होंने ज़ोर से 2 क्लैप किया और सबका अटेंशन अपनी तरफ किया। बोले, मैं हैव योर अटेंशन प्लीज। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्ची या बैठी हैं वो इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आई हुई हैं और हमारे होटल मैनेजमेंट की तरफ से हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इस खुशी के मौके पर हम अभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो सारे लोगों को फ्री खाना खिलाएंगे, तो प्लीज़ डोंट पे योर बिल, सो प्लीज़ एंजॉय द लंच। और सब लोगों ने तालियों से उस बच्ची का अभिनंदन किया। वो बच्ची उठी और उस ओनर के पैर छुए और थैंक यू बोली। समय गुजरता गया, कुछ साल ऐसे बीत गए और एक दिन अचानक एक आदमी आता है, आके ओनर को मैसेज देते हैं कि शहर में नई कलेक्टर मैम आई हुई हैं और उनको आज यहाँ लंच करना है। और बस ये बात सुननी ही थी और ओनर तो खुशी से पागल हो गए। उन्होंने तुरंत सारे वेटर्स को बुलाए। उन्होंने कहा, मैडम की वेलकम की तैयारी करो और होटल को अच्छी तरह डेकोरेट कर दो। ओनर ने देखा बाहर इतनी भीड़ थी, सब लोग ईगरली वेट कर रहे थे मैडम के आने की। और वैसे ही एक गाड़ी आई और मैडम उसमें से उतरे और पुलिस वाले सैल्यूट दे रहे थे, कुछ लोग रास्ता दे रहे थे और मैडम वहाँ से सीधे चलते होटल के काउंटर पे आए और उन्होंने ओनर और उस सर्वर के पांव छुए। सब आश्चर्यचकित हो गए, पूरी भीड़ देखती रह गई। ओनर और सर्वर को कुछ समझ में नहीं आया। मैडम उठे और ओनर से कहा, अंकल आपने मुझे पहचाना नहीं, कुछ साल पहले एक बच्ची अपने पिताजी के साथ आई थी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आने के लिए, उसके पिताजी ने उसको ट्रीट दिया था यहाँ पे और एक मसाला डोसा का पैसा था और दूसरे का नहीं था, तो आपने उस दिन पूरा माहौल बदल दिया था, जितने भी होटल में बैठे थे सबको फ्री खाना देकर। और इस तरह उस इंसिडेंट ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि आज मैं इस शहर की कलेक्टर बन के आई हूँ और यहाँ मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। और वो मुड़ी भीड़ की तरफ और कहा कि आज इस खुशी के अवसर पर मैं शहर के सब लोग को इनवाइट करती हूँ मेरे साथ लंच लेने के लिए और आज का लंच का बिल मेरे तरफ से होगा। ऐसा करके उन्होंने सबको इन्वाइट किया और पूरा होटल खुशियों से भर गया। दोस्तों, इस इंस्पिरेशनल और मॉरल स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि हेल्प छोटी हो या बड़ी,
किसी की ज़िंदगी बदल देती है। हेल्प छोटी हो या बड़ी वापस जरूर आती है। दोस्तों लास्ट लाइन कहूँगा, हेल्प एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है भगवान तक पहुँचने का। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो कभी गंवाना नहीं। छोटी हो या बड़ी अपने से जितना होता है हेल्प करो, कीप हेल्पिंग अदर्स। दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको इंस्पायरिंग लग रही है तो प्लीज़ शेयर करो सो दैट अदर्स ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाई दिस स्टोरी। ओके, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और लाइक करना भूलना नहीं, राइट? और अगर आपने वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस करो सो दैट नेक्स्ट हमारा इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुँचे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस संडे।